पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनावी तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली गए हुए थे। कमलनाथ के दौरे के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में अनबन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता प्रणव पाठक ने पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल पर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का इस कार्यक्रम में अपमान करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता प्रणव पाठक ने कहा कि जहां तक इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे, उनकी कार्यक्रम में उपेक्षा की गई है। इस कार्यक्रम को पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पारिवारिक बना दिया था। कई ऐसे वरिष्ठ नेता थे जो अर्जुन सिंह के जमाने के कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उनका अपमान हुआ है, जिसे कमलनाथ ने भी देखा है। सूचना तंत्र के अभाव में कई कांग्रेसी सभा में नहीं आ पाए और न ही कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी दी गई। कांग्रेस नेता प्रणव पाठक ने कहा कि मुझे जनपद अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए 8 महीने हो गए हैं और 8 महीनों में शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जब मैं जनता से मुखातिब नहीं हुआ हूँ। आज भी इस विधानसभा में जनता की परेशानियां कम नहीं हुई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क यहां पर शासन करने वालों की नाकामियों के चलते खराब है। कांग्रेस नेता प्रणव पाठक ने कहा कि मैं सिहावल से टिकट मांग रहा हूं क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें अन्य क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करना चाहिए। कार्यकर्ताओं के असम्मान की बात है तो बहुत से हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ पे थे, बात सही है। जो हमारे स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल जी के साथी थे, मंत्री जी के, दाऊ साहब के साथी थे। अब कमलेश्वर पटेल जी कार्यक्रम को किस तरह से संचालित किया, प्रभारी कौन थे, मंगू सरदार जी थे, शायद वो नहीं देख पाए कि वह नहीं पहचान पाए कि कौन कार्यकर्ता किस कैडर का है, उसको किस हैसियत का सम्मान देना चाहिए। और यही कारण हो सकता है कि उनकी उपेक्षा हुई और वो असंतुष्ट थे। जनता सदैव परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, यह जरूर। कमलेश्वर पटेल जी बहुत ऊंचे दर्जे के लीडर हैं, उनकी पहुंच कमलनाथ जी के पास डायरेक्ट है, माननीय राहुल गांधी जी के पास डायरेक्ट है। तो ऐसे लोगों को और तैयार करना चाहिए और हम जैसे कार्यकर्ताओं को अगर टिकट मिलता है तो ये एक नया मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी भी अपने अंतिम छोर और अपने एक किसी अन्य कार्यकर्ताओं पर भी भरोसा जताएगी और उसे आगे आने का अवसर देगी। तो इसे नए कार्यकर्ता जुड़ेंगे, दमखम लगा के कांग्रेस के लिए काम करेंगे और परंपरागत व्यवस्थाओं के तहत बगैर एक ही व्यक्ति को जो ताकतवर हो चुका हो या जिसकी इतनी हो कि दूसरे भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकता हो, जो पूरे जिले की जवाबदारी ले रहा हो, पूरे विंध्य प्रदेश की जवाबदारी ले रहा हो, ऐसे सिचुएशन में एक सीट पे निगाह गड़ा के बैठना मैं तो मानता हूँ कि पार्टी की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। पार्टी को भी ऐसा कुछ निर्णय लेके एक उदाहरण बनना चाहिए और देश में एक उदाहरण परोसना चाहिए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।